हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं निकुंज जरीवाला आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल मैग्नेटिक साइंस इंस्टीट्यूट पे। बच्चों, अभी तक सॉलिड स्टेट में हम लगभग सब कुछ पढ़ चुके हैं। हमने ऑलरेडी सब टाइप के जो यूनिट साइज है वो देख ली है, उसके हमने पैकिंग एफिशिएंसी भी देखे थे। अब इस पर्टिकुलर लेक्चर में बच्चों हमें ये सीखना है कि ये जो अलग अलग टाइप के यूनिट सिस्टम थे या यूनिट सेल थे, राइट, बीसीसी था, एफसीसी था, एचसीपी था, वो बनता कैसे है। तो हर एक में हमने देखा था कि एटम या मोलेक्यूल या कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का कुछ पर्टिकुलर अरेंजमेंट होता है, राइट। तो हमें यही देखना है कि ये अरेंजमेंट किस तरह से होगा, और ये पार्टिकल का जो अरेंजमेंट है ना बच्चों, उसे हम क्या कहते हैं, क्लोज पैकिंग कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, उसे हम क्लोज पैकिंग कहते हैं, राइट। तो चलिए सबसे पहले क्लोज पैकिंग को डिफाइन कर लेते हैं। तो इट इज नथिंग बट अरेंजमेंट ऑफ एटम, और यू कैन मोर प्रिसाइसली राइट अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इन स्पेस, राइट। इसे हम क्या कहते हैं बच्चों, इसे हम कहते हैं क्लोज पैकिंग, राइट। चलिए क्लोज पैकिंग जो है वो मेनली हम स्टार्ट करेंगे बहुत बेसिक से, वन डायमेंशन से। तो सबसे पहले हम जाएंगे बच्चों क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन। राइट, चलिए अब देखिए वन डायमेंशन जो है उसको एक और नाम से भी हम बुलाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज लीनियर। अब अगर एटम्स आपके वन डायमेंशन में है ना, तो ज्यादा इतनी कोई चॉइस बचती नहीं है। वन डायमेंशन में बच्चों हमें एटम जो है ना उसको ऐसे आजू बाजू में ही रखना पड़ता है, तो ही वो वन डायमेंशन मतलब लाइन में रहेंगे, राइट। तो ये हो गया आपका वन डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। अब यहां पे बच्चों इंपॉर्टेंट होता है एक टर्म जिसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है बच्चों के कोई भी क्रिस्टल सिस्टम में कोई भी जो एटम है वो डायरेक्ट कितने एटम के कांटेक्ट में है। तो अगर आप वन डायमेंशन में देखो और मैं इस एटम की अगर बात करूं, तो ये एटम जो है वो दो एटम के डायरेक्ट कांटेक्ट में है। तो यहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो कितना हो जाएगा बच्चों, टू हो जाएगा। तो ये हो गया आपका वन डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। चलिए अब वन डायमेंशन को हम रिपीट करा के जाएंगे बच्चों टू डायमेंशन में। तो अब हम जाने वाले बच्चों क्लोज पैकिंग इन टू डायमेंशन, क्लोज पैकिंग इन टू डायमेंशनल। अब यहां पे बच्चों हमारे पास मेनली दो चॉइस है, ओके। एक है अपने पास टू डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग, ओके, और फिर हम करेंगे बच्चों टू डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। चलिए पहले बात करेंगे बच्चों हम टू डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग के बारे में, ओके। चलिए तो अगर मान लीजिए हमारे पास ये जो वन डायमेंशन का लेयर है लीनियर वाला, अब उसको अगर हम रिपीट करें और फर्स्ट लेयर के एग्जैक्ट नीचे हम अगर दूसरा लेयर रखें, उसके एग्जैक्ट नीचे अगर हम ऐसे तीसरा लेयर रखें, राइट, और अगर आप चार आजू बाजू के एटम को जोड़ोगे ना बच्चों, तो आपको एक स्क्वायर का पैटर्न मिलेगा, राइट। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं बच्चों, टू डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग कहते हैं। यहां पे आप देखिए बच्चों, तो जो हर एक लेयर है ना वो एग्जैक्टली एक दूसरे के नीचे है, मतलब हर एक लेयर का जो अरेंजमेंट है वो ऑलमोस्ट कैसा है, सेम है। तो यहां पे बच्चों आपका जो अरेंजमेंट है वो किस तरह का है, अरेंजमेंट है आपका ए ए ए ए अरेंजमेंट, ओके। चलिए कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करते हैं, तो अगर मैं कोई भी एक एटम को उठा लूं, तो ये एटम की अगर बात करें तो ये कितने एटम के डायरेक्ट टच में है, दिखा आपको चार के डायरेक्ट टच में है ना, राइट। तो यहां पे बच्चों आपका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाता है, फोर हो जाता है, राइट। कितना हो जाएगा ये कोऑर्डिनेशन नंबर बच्चों, फोर हो जाएगा। और अगर आप यहां पर देखेंगे ना, तो आपको कुछ खाली जगह दिखेगी, तो इस खाली जगह को हम कहते हैं बच्चों वॉइड कहते हैं। क्या कहते हैं खाली जगह को, हम वॉइड कहते हैं। हमने देखा था ना पैकिंग एफिशिएंसी 100% नहीं होता है, तो नहीं होने का रीजन जो है ना वो ये वॉइड है, राइट। और ये जो वॉइड है उसको हम कहेंगे स्क्वायर वॉइड। और ये वॉइड के बारे में बच्चों हम चैप्टर के एंड में या जो लेक्चर है ना उसके एंड में पूरा एक डिस्कशन करने वाले हैं, किस तरह के वॉइड होते हैं और किस तरह से उसके डायमेंशन हमें गिनने हैं, राइट। चलिए अभी आपके पास एक और ऑप्शन है बच्चों टू डायमेंशनल में, और वो ऑप्शन है आपका टू डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। चलिए क्या करना है, तो ये जो वन डायमेंशनल का आपका लेयर था, अब इसको थोड़ा आपको ध्यान से बनाना पड़ेगा, राइट, बिकॉज तभी आपको पैटर्न जो है वो एग्जैक्ट मिलेगा बच्चों। ये आपका वन डायमेंशनल का लेयर था, राइट। चलिए अब दूसरा लेयर जो है ना वो एग्जैक्ट इसके नीचे नहीं रखना है, बट ये पहले लेयर में जो ये खाली जगह है ना, कॉर्नर जो दिख रहा है ना आपको, वहां पे आपके आपको सेकेंड लेयर के आइटम रखने, इस तरह से दिखा आपको, समझ में आ रहा है आपको, राइट। क्योंकि ये पहला और दूसरा लेयर थोड़ा दिखने में अलग अलग लग रहा है, तो इसलिए मैं दूसरे लेयर को थोड़ा ब्लैक मार्कर से हाईलाइट कर लेता हूं, ताकि आपको ये विजन जो है ना वो क्लियर रहे, राइट। अब इसके नीचे आप थर्ड लेयर रखिए, तो थर्ड लेयर का जो अरेंजमेंट है बच्चों वो एग्जैक्टली वापस ऊपर के लेयर जैसा आएगा, देख लीजिए आप, दिखा आपको,
राइट, अब इसके नीचे आप चौथा लेयर रखे तो वो जो है वो दूसरा लेयर जैसा बनेगा। राइट, चलिए अब यहां पे आजू बाजू के एटम को आप जोड़िए और मुझे बताइए पैटर्न क्या बन रहा है। तो अगर मैं आजू बाजू के एटम को जोड़ू ना तो मुझे कुछ इस तरह का पैटर्न दिख रहा है। राइट, क्या कहते हैं इसको, हम हेक्सागोन कहते हैं। इसीलिए हम इस क्रिस्टल सिस्टम को कहते हैं टू डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। क्या कहते हैं इसको, हम टू डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कहते हैं। चलिए अगर आप देखेंगे यहां पे तो फर्स्ट और थर्ड लेयर जो है वो सेम है, तो इनको हम ए नाम देते हैं। सेकंड और फोर्थ लेयर जो है वो सेम है बट पहले और चौथे लेयर से अलग है, तो उसे हम बी नाम देंगे। तो यहां पे जो बच्चों आपका स्टैकिंग है ना, ये आपका स्टैकिंग है बच्चों, किस टाइप का, ए बी टाइप का स्टैकिंग है। राइट, तो उसे हम क्या कहेंगे, टू डायमेंशनल हेक्सागोनल कहेंगे। चलिए एक पॉइंट जो हमें डिस्कशन करना है वो है इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर। चलिए बच्चों कितना होगा कोऑर्डिनेशन नंबर, तो इस एटम की बात कर लीजिए, ये एटम कितने एटम के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में बताइए, तो 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 दिखा आपको। तो यहां पे हर एक जो एटम है वो अपने आजू बाजू के 6 के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में होगा, तो कोऑर्डिनेशन नंबर बच्चों कितना होता है यहां पे, 6 होता है। समझ गया आप इतना। चलिए अब हम बहुत इंपॉर्टेंट पे जा रहे हैं जो है आपका क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन, वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। अब 3 डायमेंशन में हमें क्या करना है, जो 2 डायमेंशन का स्टैकिंग बना है ना उसको हमें रिपीट करना है। पहले ये 1 डायमेंशन हुआ, राइट, फिर हमने क्या किया उसको ऐसे रिपीट किया तो ये 2 डायमेंशन बना। अब ये 2 डायमेंशन का जो आपका मैट बना है ना उसको आपको एक के ऊपर एक रखते जाना है। अगर आप इस लेयर को एक के ऊपर एक रखते जाएंगे, अल्टीमेटली एक के ऊपर एक रखिए, तो फिर अल्टीमेटली क्या बन जाएगा, पूरा फिगर जो है वो 3D बन जाएगा। चलिए तो अब हम वही डिस्कशन करना है, वो है आपका दैट इज योर क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन। चलिए तो मैं आपके लिए बहुत आसान कर दूंगा, ये याद रखना पूरा, इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है। चलिए क्लोज पैकिंग इन 3D। अब हमारे पास 2 डायमेंशन में 2 अलग अलग टाइप के सिस्टम बने थे, एक था स्क्वायर और दूसरा हेक्सागोनल था। अब पहले ये देखते हैं कि अगर ये स्क्वायर वाले पैटर्न को हम रिपीट करें एक के ऊपर एक तो हमें कौन कौन से टाइप से क्रिस्टल सिस्टम मिलेंगे। तो यहां पे बच्चों हम बात करेंगे सबसे पहले फ्रॉम 2 डायमेंशनल स्क्वायर, हम 2 डायमेंशनल स्क्वायर को रिपीट करने वाले बच्चों, राइट, देखिएगा ध्यान से। तो फ्रॉम 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग, ओके, चलिए ध्यान से आप देखिएगा सब लोग यहां पे, ओके। तो पहला मैं फर्स्ट लेयर ला रहा हूं उसका स्क्वायर का। अब ये जो है ना आपको इसको देखना किस तरह से, बच्चों ध्यान दीजिएगा किस तरह से आपको देखना है इसको, आपको इसको देखना है 3D में, मतलब ये जो मैट है ना बच्चों अभी आपको ऐसे दिख रहा है, समझ रहे आपको, आपको मेरी चारों फिंगर दिख रही है। अब मैंने इसको उठा के अगर इस तरह रख दूं यहां पे तो आपको खाली एक ही फिंगर दिखेगी आगे वाली, राइट, पीछे वाली 3 फिंगर है वो आपको दिखने वाली नहीं है। तो ये कुछ ऐसा ही है कि ये जो है वो सबसे आगे वाला लेयर है और उसके पीछे के जो सारे लेयर है वो पीछे की तरफ है, अंदर जा रहे हैं, तो आपको दिखने वाले नहीं है। तो ये बच्चों हो गया आपका फर्स्ट लेयर। अब जो दूसरा आपका स्क्वायर का लेयर है ना, ये एक लेयर रखा हमने, दूसरा जो स्क्वायर का लेयर है उसको हम कहां रखने हैं बच्चों, गैप में रखने वाले। मैं आपको 3D एनिमेशन भी दिखा रहा हूं साथ में, तो आप अंडरस्टैंड कर सकते हो इसको इजीली। तो राइट, आपका जो दूसरा लेयर है मैं सपोज इसको एग्जैक्टली उसके ऊपर रख रहा हूं सेकेंड लेयर को, राइट बच्चों, ये हो गया आपका सेकंड लेयर। तो मैंने एक लेयर रखा उसके ऊपर, ये सेकंड लेयर आया, उसके ऊपर हम तीसरा लेयर रखेंगे। चलिए थर्ड लेयर भी एग्जैक्टली उसके ऊपर रखेंगे, समझ रहे हो आप बच्चों, राइट, ओके। अब इसको अगर आप 3D में थोड़ा एक्सटेंड करना चाहो तो आप ऐसा कर सकते हो कि ये वो है सारे जो एटम पीछे हम बोल रहे थे ना कि एटम पीछे पीछे, तो ये वाले है पीछे एटम, समझ रहे हो आप। अब आपको लगा है 3D बना हुआ कुछ, राइट, इस तरह से कुछ आपको अरेंजमेंट दिखेगा 3 डायमेंशन में। चलिए अब ये बताइए कि ये कौन से टाइप का यूनिट सेल निकालेगा। तो अगर मैं इसका सबसे छोटा पार्ट कट करूं यहां से, 3D में अगर आप इसका इतना पार्ट अगर कट करके लाओगे ना बच्चों, तो आप खुद ही सोचिए कितना का पार्ट बाहर आएगा। मैं इतने पार्ट को अगर बाहर ला रहा हूं खींच के, हाँ देखिएगा बहुत ध्यान से, ये रहा वो ब्लैक बॉक्स जो हमने अंदर बनाया है, ओके। चलिए इसके एटम देखिए कहाँ कहाँ पर है बच्चों, तो इस यहां पर एटम है, ये वाला एटम जो है वो यहां पर है, ऊपर 2 एटम दिख रहे हैं कॉर्नर पे, और अब ध्यान से देखो तो यहां पर एक एटम है, इस कॉर्नर पे भी एटम है, इस पे भी ये एटम है, और पीछे वाले कॉर्नर पे भी एटम होगा। बताइए चलिए बच्चों ये कौन सा यूनिट सेल बनता है, पीछे वाले पे भी एटम होगा जो हमें दिखना नहीं है, राइट, इस तरह से। चलिए बच्चों बताइए कौन सा यूनिट सेल है, ये तो बहुत सिंपल है, ये तो आपका हो गया बच्चों प्रिमिटिव। कौन सा हो गया ये, प्रिमिटिव, या इसे हम क्या कहते हैं बच्चों, सिंपल क्यूबिक भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम बच्चों, सिंपल क्यूबिक भी कहते हैं। तो ये हो जाएगा आपका प्रिमिटिव यूनिट सेल या सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। चलिए यहां पे सारे लेयर जो है वो हमने एग्जैक्टली एक के ऊपर एक रखे थे,
तो सारे लेयर जो है उनका स्टैकिंग कैसा है, सेम है, ए ए ए ए। तो अगर मैं स्क्वायर ले लू टू डायमेंशन और उसका अगर मैं स्टैकिंग करूं ए ए ए ए टाइप का स्टैकिंग, तो हमें जो है वो कौन सा क्रिस्टल सिस्टम मिलता है बच्चों, सिंपल क्यूबिक या प्रिमिटिव, कौन सा मिलता है हमें, सिंपल क्यूबिक या प्रिमिटिव क्रिस्टल सिस्टम मिलता है। समझ में आया आपको, राइट। चलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर बताइए, तो बच्चों कितना होगा कोऑर्डिनेशन नंबर, थोड़ा ध्यान से आपको काम करना पड़ेगा इसमें, राइट। तो अगर मैं खाली वो स्क्वायर वाले की बात करूं ना, टू डायमेंशन की, सुनिएगा ध्यान से, अगर हम टू डायमेंशन की बात करें ना बच्चों, तो टू डायमेंशन ही रहा आपका। तो टू डायमेंशन स्क्वायर में ऑलरेडी जो एटम है वो चार के तो कांटेक्ट में है, 1 2 3 4। अब अगर उसके ऊपर एग्जैक्टली आप एक लेयर रखो तो पांचवा एटम जो है वो ऊपर से कांटेक्ट में आएगा, नीचे आप एक लेयर रखो तो जो छठा एटम है वो कहां से कांटेक्ट में आएगा बच्चों, पीछे से कांटेक्ट में आएगा। तो अल्टीमेटली हर एक जो एटम है राइट, वो कितने का डायरेक्ट कांटेक्ट में होगा, तो चार जो है वो अपने लेयर के कांटेक्ट में होंगे। कौन कौन से की बात कर रहा हूं मैं, ये एक दो, इसको थोड़ा मुश्किल है 3D में दिखाना, ये तीन, ये पीछे वाला एटम और ये आगे वाला एटम, ये चार जो है वो तो बच्चों अपने लेयर के ही कांटेक्ट में है, राइट। अब पांचवा जो है वो कहां से आ रहा है बच्चों, ऊपर से आ रहा है टच करने के लिए इसको, और छठा एटम जो है बच्चों वो कहां से आ रहा है इसको टच करने के लिए, जैसे नीचे से आ रहा है। समझ में आया आपको, इसका मतलब जो हर एक लेयर है वो बच्चों डायरेक्टली कितने के कांटेक्ट में होगा, 6 के कांटेक्ट में होगा। ओके चलिए, तो इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर हम लिखते हैं बच्चों वो कितना हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू 6, क्योंकि ये जो है वो हर एक एटम कितने के डायरेक्ट कांटेक्ट में है, 6 1 2 3 4 4 अपने लेयर के, एक ऊपर और एक नीचे, 4 ऑफ सेम लेयर, 1 अबो प्लस 1 बिलो। चलिए समझ में आया बच्चों आपको ये, फाइन। चलिए, तो हमने 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग में से एक तो बना लिया है अरेंजमेंट, अब दूसरा अरेंजमेंट बनाते हैं। 2D अभी स्क्वायर को ही यूज करना है, हेक्सागोनल पे अभी जाना नहीं है। चलिए, अभी 2D स्क्वायर जो इस तरह दिख रहा है, पहला लेयर हम बच्चों इस तरह रख रहे हैं, देख लीजिए ध्यान से वापस, ये हो गया आपका पहला लेयर। अभी मैंने आपको जैसे बताया फिंगर यूज करके, ये अभी ऐसे है, हमने इसको ऐसे दिखाया, तो आगे का ही लेयर दिख रहा है, पीछे के लेयर दिखने नहीं है। ओके, बहुत बढ़िया। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं अब। ओके, अब जो दूसरा लेयर है ना, उसको आपको एग्जैक्टली ऊपर रखना नहीं है। ओके, दूसरा लेयर आपको कहां पे रखना है, तो पहले लेयर में यहां पे जो गैप बन रहा है ना बच्चों, दिख रहा है आपको वॉइड, तो आपको क्या करना है, उस वॉइड के ऊपर दूसरा लेयर रखना है इस तरह से, अगर आप इसको समझ पाओ तो। समझ रहे हो आप बच्चों? ओके, दिख रहा है आपको ब्लू लेयर किस तरह से है, तो आपका जो दूसरा लेयर होगा बच्चों, अब वो आपको इस एम्प्टी स्पेस में रखना है इस तरह से, राइट। समझ रहे हो आप? ओके, अभी आप इन दोनों को सेम मत समझिएगा, ये तो इस तरह से है 2D में, यहां पे तो इस तरह स्टैकिंग चल रहा है 3D में, राइट। चलिए, अब तीसरा लेयर जो है उससे ये गैप को हम भरेंगे, तो आप देख लीजिए पहला और तीसरा लेयर जो है वो अपने आप सेम हो जाएगा, चौथे लेयर से वापस जो इसके गैप बनेंगे उसको भरेंगे हम, समझे? तो मुझे दिख रहा है कि पहला और तीसरा लेयर का अरेंजमेंट सेम है, जो दूसरे और चौथे लेयर से थोड़ा सा अलग है, राइट। तो ये कौन सा स्टैकिंग हो गया बच्चों आपका, ए बी टाइप का स्टैकिंग हो गया। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है यहां पे कि आपका यूनिट सेल कौन सा निकलेगा यहां से, राइट। चलिए, तो मैं एक सबसे छोटा पार्ट अगर बाहर निकालूं, अभी इसको मैं 3D नहीं करूंगा, अदरवाइज बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा इसको दिखाना। अगर मैं इतना पार्ट बच्चों बाहर निकालूं, ये वाला पार्ट, राइट, इसको आप पीछे की तरफ एक्सटेंड करिएगा इस तरह से, है ना। अगर आप इतने पार्ट को बच्चों बाहर निकालो, तो सोचिए ध्यान से कि ये कौन सा यूनिट सेल निकालेगा आपका, खुद दिख रहा है आपको? चलिए मैं आपको बताता हूं यहां पे कि ये कौन सा आपका यूनिट सेल है। ओके, ये आपका जो ब्लू वाला आइटम है ना बच्चों, वो कॉर्नर ऑक्यूपाई करेंगे, और जो ब्लैक वाला आइटम है ना बच्चों, वो कहां पे जाएगा, वो जाना है बॉडी के सेंटर में। कहां जाएगा वो ब्लैक वाला आइटम जो है वो, बॉडी के सेंटर में जाएगा। आपको दिख रहा है ऐसा ही कुछ, यस और नो, दिखाना सेम ऐसा ही कुछ, राइट। तो ये तो बच्चों कौन सा क्रिस्टल सिस्टम बन रहा है, ये तो बन रहा है आपका बॉडी सेंटर्ड क्यूब। कौन सा बन रहा है बच्चों, ये बॉडी सेंटर्ड क्यूब बन रहा है, तो ये हो जाएगा आपका बॉडी सेंटर्ड क्यूब, राइट। और इसे हम क्या कहते हैं, BCCB कहते हैं शॉर्ट में, राइट। चलिए, तो अगर हम 2D स्क्वायर को लेंगे, ओके, और अगर उसको हम किस तरह स्टैकिंग कराएंगे बच्चों, ए बी स्टैकिंग कराएंगे,
तो हमें कौन सा क्रिस्टल सिस्टम मिलना है बच्चों? बॉडी सेंटर्ड क्रिस्टल सिस्टम मिलना है। क्या आप इसका कोऑर्डिनेशन नंबर बता सकते हो? क्या ट्राई करिए। चलिए इसी एटम की बात करो ना, ये जो ब्लैक वाले एटम की, ये कितने के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में है? तो ऐसे ही दिख रहा है ना कि हर एक जो आठ कॉर्नर है वो उसको टच करने वाले हैं और कोई टच करने वाला नहीं है, आठवां एटम जो है वो पीछे है। तो यहाँ पे बीसीसी के अंदर बच्चों कोऑर्डिनेशन नंबर जो है आपका वो कितना होता है बच्चों? तो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है बीसीसी में बच्चों 8। कितना होता है कोऑर्डिनेशन नंबर? 8 होता है। हर एक एटम जो है वो कॉर्नर के 8 के डायरेक्ट टच में है, राइट। तो अगर मैं इसको यहां पे स्मॉल समराइज करूं ना, स्मॉल, अगर मान लीजिए मैंने 2d स्क्वायर लिया, उसका मैंने अगर एस स्टैकिंग करा या ए ए ए ए, तो मुझे यहां पे कौन सा मिलेगा क्रिस्टल सिस्टम? सिंपल क्यूब या प्रिमिटिव? इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा बच्चों? 6 होगा। अगर मैंने उसी टू डायमेंशन को एस स्टैकिंग कराया ए बी ए बी, राइट, तो हमें कौन सा मिलना है? बीसीसी मिलना है, जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 8 होगा, राइट। चलिए अब हम जाएंगे इस टू डायमेंशनल हेक्सागोनल के ऊपर। चलिए तो देखिए मैं किस तरह से पहला फर्स्ट लेयर ड्रॉ कर रहा हूँ पेंसिल से, राइट। मुझे लेयर को एकदम एग्जैक्ट ड्रॉ करना है, तभी मैं जो आपको दिखाना चाहता हूँ वो दिखा पाऊंगा, राइट। और ये जो लेयर है ना, एक्चुअली मैं 5 की स्पीड पे फॉरवर्ड करके आपको दिखा रहा हूँ ना, इसलिए आपको इतना स्पीड लग रहा है कि इतना स्पीड में कैसे ड्रॉ हो रहा है, ये कोई जादू नहीं हो रहा, आप जब करोगे तो टाइम लगना है। चलिए अब दूसरा लेयर जो है ना, वो आपको पहले लेयर का जो ट्राइंगल बना ना उसके ऊपर रखते जाना है। देख लीजिए ये जो येलो कलर का मार्कर चल रहा है ना, ये वाला, राइट। और देखिए जो हर एक जो येलो जो है ना, वो 3 पेंसिल वाले के सेंटर पे है, देखिए आप। चलिए बच्चों, तो यहाँ पे जो पेंसिल वाला लेयर है ना, ये आपका है बच्चों लेयर 1 जो नीचे है, राइट। और जो हमने ये मार्कर से किया है ना, वो है आपका लेयर 2 जो उसके ऊपर है, राइट। आई होप इतना आप समझ पा रहे हो, ठीक है ना। चलिए आप जैसे ही आपने फर्स्ट लेयर के ऊपर दूसरा लेयर रखा ना, तो अब आपको ध्यान से दिखना चाहिए यहां पे जो है ना बच्चों, वो 2 टाइप के वॉइड्स बन रहे हैं। अब यहां पे वो वॉइड का पिक्चर आता है, राइट। चलिए सबसे पहला जो वॉइड है ना, अगर आप ध्यान से देखो तो सबसे पहला वॉइड जो है बच्चों, वो आपका ये वाला वॉइड है, ये वाला दिखा आपको। और ये जगह कैसा है बच्चों? खाली है। और अब ध्यान से देखोगे ना, तो हर एक जो एटम है ना उसके सेंटर के ऊपर बच्चों ये वाला आपका वॉइड बनेगा। क्या आप देख पा रहे हो इसको? आपको दिख रहा है ये? ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा है मैं किस वॉइड की बात कर रहा हूं। ओके, हर एक एटम के सेंटर के ऊपर ये वॉइड बनेगा। ओके, यहां पे भी देखिए तो वैसा ही कुछ दिख रहा है आपको सेम। क्या आप समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? वो बहुत बढ़िया, देखिए कितने सारे इस तरह के वॉइड बन रहे हैं यहां पे। ओके, तो जितने भी एटम्स है ना बच्चों, उन हर एक एटम के सेंटर के ऊपर ये वाला वॉइड आपका बनेगा। क्लियर आपको इतना? अगर मैं इस वॉइड को बाहर निकाल के दिखाऊं तो आपको, चलिए मैं इसको बाहर निकाल रहा हूं, राइट। देखिए तो अगर यहां पे आप देखो वापस, तो आपका जो ये वाला वॉइड है ना, उसमें नीचे जो है वो ये पेंसिल वाला एटम है, और उसके ऊपर जो है ना वो 3 एटम है ये येलो कलर के मार्कर वाले, इस तरह से कुछ 1, 2 और ये 3। और यहां पे जो वॉइड बनाना वो 4 एटम के बीच में, और उस वॉइड को हम क्या कहते हैं बच्चों? अब आते हैं पॉइंट पे, उस वॉइड को हम कहते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड। और ये टेट्राहेड्रल वॉइड जो है वो कितने एटम के बीच में बनता है बच्चों? ये बनता है बिटवीन 4 एटम्स। कितने एटम के बीच में बनता है बच्चों? ये बिटवीन 4 एटम्स। जितने भी ये वाले आपको दिख रहे हैं ना ऐसे किए हुए, वो सारे क्या है बच्चों? टेट्राहेड्रल वॉइड्स है। क्या है वो सारे? टेट्राहेड्रल वॉइड्स है। 3D में अगर दिखाऊं तो, चलिए 3D में अगर देखो ना आप, तो आपका जो सेकेंड लेयर है उसके ये 3 एटम है येलो वाले, 1, 2 एंड 3। क्या देख पा रहे हो आप? और पेंसिल वाला जो एटम है ना बच्चों, वो कहां पर है? उसके ऊपर है ये वाला एटम। ओके, और जब ये पैक करोगे ना आप इनको, तो जो एम्प्टी स्पेस बचना है ना यहां पे, वो एम्प्टी स्पेस और कुछ नहीं है, क्या है वो? टेट्राहेड्रल वॉइड है। समझ गया आप टेट्राहेड्रल वॉइड कैसे बनता है वो? क्लियर एकदम। चलिए बच्चों अब दूसरे टाइप के वॉइड की बात करते हैं, दूसरा वॉइड देखते हैं, राइट, इसके अंदर। चलिए अब आपको मैं एक और एम्प्टी स्पेस दिखा रहा हूं, वो ये वाला है। देखो स्टार जैसा बन रहा है,
कहां पर है स्टार फाइंड करिए। तो ये रहा वापस एक और दिखा आपको, चलिए एक और ये रहा। ओके ये आप तभी कर पाओगे जब आप एग्जैक्ट फिगर बनाओगे, हाँ अदरवाइज मुश्किल है। राइट ओके आई होप कि आपको एकदम क्लियर हो रहा है और मजा आ रहा है इसको देखने में किस तरह से ये वॉइड्स बने जा रहे हैं। ओके चलिए अब एक आध वॉइड को बाहर भी निकाल लेते हैं इनमें से। चलिए ये वॉइड को अगर हम बाहर निकालें। ओके तो ये वॉइड जो है उसको आप ध्यान से देखिएगा। ओके तीन जो है वो पेंसिल वाले आइटम है कुछ इस तरह से, एक दो और तीन। राइट और उसके ऊपर जो है वो तीन ये मार्कर वाले आइटम्स है वो इस तरह से दिख रहे हैं आपको, वन टू और थ्री। और उनके बीच में जो खाली जगह है ना, ये वॉइड को हम कहते हैं बच्चों ऑक्टाहेड्रल वॉइड। क्या कहते हैं इसको हम? इसे हम कहते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड। और ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो है ना बच्चों, ये बनता है बिटवीन सिक्स एटम्स। कितने एटम के बीच में बनता है बच्चों? ये बिटवीन सिक्स एटम ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो है वो बनता है। राइट आई बात आपके दिमाग में? चलिए अगर इसको थ्री डी में दिखा दे तो ये आगे हमें काम में आने वाला है, इसलिए मैं इसको बार बार दिखा रहा हूं आपको। अगर हम इसको थ्री डी में दिखाएंगे तो ये पहला लेयर आपका ऐसे है, वन टू एंड थ्री, दो एटम आगे एक पीछे। दूसरा जो येलो वाला लेयर है ना वो इससे उल्टा है, एक येलो आगे है और दो येलो कहां पर है? पीछे है। इस तरह से दिखा आपको, जब दोनों का आप पैक करोगे ना तो क्या होगा बच्चों, यहां पे बीच में एक खाली जगह बचेगी और ये जो खाली जगह है ना बच्चों उसे हम क्या कहेंगे? ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहेंगे। क्या कहेंगे इसको हम? ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहेंगे। बोलिए आपको इतना समझ में आ गया वॉइड के बारे में? ये पूरा जो है वो टेट्राहेड्रल वॉइड के बारे में है। ओके और ये जो बाकी आपको दिख रहा है ना, ये कौन सा वॉइड है आपका? ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। टेट्राहेड्रल वॉइड बनता है बिटवीन फोर एटम्स, ऑक्टाहेड्रल कितने के बीच में बनता है? बिटवीन सिक्स एटम्स बनता है। क्लियर आपको इतना वॉइड का कंटेंट? और आपको एक और कंटेंट याद रखना है, यहां पे आप देखिए तो आपके अप्रोक्सीमेटली टेट्राहेड्रल वॉइड कितने हैं? वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन, 16 है। और उसके सामने ऑक्टाहेड्रल कितने हैं? वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट। इसका मतलब क्या है कि जो टेट्राहेड्रल वॉइड होता है ना वो ऑलवेज होता है डबल देन ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ये आपको ध्यान रखना है। टेट्राहेड्रल वॉइड जो है वो ऑलवेज कितना होता है बच्चों? ये होता है ऑलवेज डबल देन ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है। राइट चलिए अब वापस हम चलते हैं क्लोज पैकिंग के ऊपर। तो हम ऑलरेडी दो लेयर तो रख चुके हैं, फर्स्ट लेयर एंड सेकेंड लेयर। अब थर्ड लेयर डिसाइड करेगा क्लोज पैकिंग कौन सा है। राइट चलिए देखिए, बाय पुटिंग लेयर थ्री, ये सारी कहानी चल रही है टू डायमेंशनल हेक्सागोनल के लिए। राइट बाय पुटिंग द थर्ड लेयर, अब काम आपका सिंपल हो जाएगा। राइट अब पहला चॉइस देख लेते हैं, अगर आपने थर्ड लेयर रखा और आपको अगर थर्ड लेयर रख के मान लीजिए कि ये सारे के सारे आपको टेट्राहेड्रल वॉइड कवर करने हैं ये ब्लैक वाले, ओके तो क्या होगा? लेट्स सी। सो अगर हम सारे टेट्राहेड्रल वॉइड कवर करना चाहते हैं ना, इफ ऑल टेट्राहेड्रल वॉइड्स आर कवर्ड बाय थर्ड लेयर, ओके तो पहले क्विकली एक थर्ड लेयर के रखने के लिए फर्स्ट और सेकंड लेयर रखे ना हम टेट्राहेड्रल पहले वॉइड बना लेते हैं। चलिए बहुत क्विकली काम करेंगे, ये देखिए ऊपर रेफरेंस लीजिए आप टेट्राहेड्रल वॉइड बनाने के लिए। तो ये एक एटम हो गया और बाकी आप तीन एटम जो है वो इस तरह रख दीजिए। चलिए ये जो वॉइड है यहां पे वो कौन सा वॉइड बनेगा आपका? टेट्राहेड्रल वॉइड बनना है, ठीक है ना। अगर आप इसको कवर करना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा आपको? वेरी ऑब्वियस, नीचे से आपको एक और आइटम रखना पड़ेगा ब्लू वाला। चलिए ये हो गया, नीचे से एक और आइटम ब्लू वाला। जैसे आप इसको रख दोगे ये पैकिंग हो जाएगा। राइट अगर आप ब्लू के लेयर को कंप्लीट भी करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, इसके आजू बाजू और छह लेयर दिखा दो हेक्सागोनल का, बट काम नहीं है ऐसा करने का। तो यहां पे आप देखोगे तो पहला और तीसरा लेयर सेम है ए ए, और जो दूसरा लेयर है वो अलग है। अब इसके नीचे वाला जो लेयर है वो सेम बी जैसा आने वाला है। तो अगर आप मान लीजिए तीसरा लेयर रख के टेट्राहेड्रल वॉइड कवर कर रहे हो ना, तो स्टैकिंग अपने आप क्या बन जाएगा बच्चों? ए बी स्टैकिंग बन जाएगा। और जब आप इसको कट करोगे ना तो ये बनना है आपका थ्री डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। इसके बारे में ऑलरेडी हमने सब डिस्कशन किया है, ये क्या बनेगा? थ्री डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बनेगा। आप एनिमेशन में भी देख सकते हो किस तरह से ये थ्री डी हेक्सागोनल बन रहा है। राइट तो ये हो जाएगा आपका थ्री डी एचसीपी। राइट चलिए बच्चों इसका नाम कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करते हैं। तो क्योंकि
ये जो एटम है वो ऑलरेडी टू डायमेंशनल हेक्सागोनल में है, मतलब इसके आजू बाजू अपने लेयर के तो छह है ही, राइट। अब तीन एटम कहां से घुसेंगे, नीचे से घुसेंगे, और ऐसे ही तीन एटम और कहां से आएंगे बच्चों, बी वाला जो लेयर है वो यहां से भी आएगा ऊपर से, राइट। तो ये जो है वो अपने लेयर के छह के कॉन्टेक्ट में है, सिक्स ऑफ सेम लेयर जैसे कॉन्टेक्ट में है, और तीन कहां से आए, ऊपर से आए, और तीन कहां से आए, नीचे से आए, तो टोटल कितना हो गया, कोऑर्डिनेशन नंबर छह अपने लेयर के, तीन ऊपर से, तीन नीचे से, कोऑर्डिनेशन नंबर इसका हो जाना है कितना, 12। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है बच्चों, 12 होता है, समझ में आया आपको इतना। चलिए तो अब हम बच्चों तीसरा लेयर रखे ना, वर्ल्ड कवर करेंगे ऑक्टाहेड्रल, इफ ऑल ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स आर कवर्ड बाय थर्ड लेयर। चलिए क्या होगा देखते हैं बहुत ध्यान से। तो पहले तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड बना ले ऐसा, इसलिए मैंने आपको कहा था कि मैं 3D आपको दिखाऊंगा तो ये आपको समझ में आएगा। तो ये पहला लेयर हो गया, ओके। दूसरा लेयर तो वैसे भी उससे अलग ही दिख रहा है क्योंकि उसमें एक आगे और दो पीछे है, समझे आप, ओके। तो ये आपके दो लेयर तो ऑलरेडी हो चुके हैं, ए एंड बी, ए एंड बी। अब यहां पे जो वॉइड है बच्चों वो कौन सा वॉइड है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। और अब ध्यान से देखोगे तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो है वो ऊपर नीचे दोनों तरफ से खाली होगा, राइट। ये देखिए आर पार दिखेगा यहां पे, इस ऑक्टाहेड्रल वॉइड में देखोगे ना तो आर पार दिखेगा आपको। तो अगर आप इसको कवर करना चाहते हो ना बच्चों, तो आपको एक एटम कहां से रखना पड़ेगा, नीचे से रखना पड़ेगा, और एक एटम बच्चों कहां से रखना पड़ेगा, ऊपर से भी रखना पड़ेगा, समझ में आया आपको। मतलब ये जो तीसरा लेयर है ना उसका अरेंजमेंट पहले और दूसरे दोनों से अलग होगा, राइट। और ये तीसरा लेयर जो है उसको हम सी नाम दे देते हैं, और आप देखो ध्यान से तो ये दोनों जो है वो एग्जैक्टली एक दूसरे के ऊपर नीचे है, तो ये दोनों सेम होंगे। तो इसमें बच्चों आपका स्टैकिंग कौन सा बनना है, अगर आप तीसरा लेयर रख के मान लीजिए ऑक्टाहेड्रल वॉइड को कवर कर रहे हो ना, तो आपका स्टैकिंग कौन सा बनना है बच्चों, तो आपका यहां पे स्टैकिंग बन रहा है ए बी सी टाइप ऑफ स्टैकिंग, समझ में आया आपको कुछ, यस और नो, राइट। चलिए क्विकली आगे बढ़ते हैं अभी, फाइन। और यहां पे अगर आप इसको यूनिट सेल में कट करोगे ना, अगर आप इसको कट करके इसका यूनिट सेल निकालोगे ना, तो इसका यूनिट सेल आने वाला है आपका फेस सेंटर्ड क्यूब। देख लीजिए एनिमेशन में किस तरह से ये फेस सेंटर्ड क्यूब बन रहा है, दिखा आपको। इसका एक और नाम भी है, क्या नाम है उसका, सी सी पी, या उसको क्या कहेंगे हम, एफ सी सी पी कहेंगे। चलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर अब आप बताइए कितना होगा। तो इसका बच्चों कोऑर्डिनेशन नंबर जो है, ओके चलिए इस एटम की बात करते हैं, राइट। तो ये एटम है हेक्सागोनल टू डायमेंशन का, तो अपने लेयर के तो छह के कांटेक्ट में है, ओके। दैट इज ऑफ सिक्स एटम ऑफ सेम लेयर जो इसके कांटेक्ट में है, ओके राइट। तीन यहां से पैक हुए, अब ये सी के ऊपर कौन सा लेयर होगा बच्चों, बी वाला, मतलब ऐसा लेयर होगा जो इस तरह से होगा, वन टू एंड थ्री, कौन सा लेयर है, ये बी वाला लेयर है। तो ये जो है वो अपने लेयर के छह के कांटेक्ट में है, तीन नीचे से कांटेक्ट में आ रहे हैं, तीन ऊपर से कांटेक्ट में आ रहे हैं, तो यहां भी बच्चों कोऑर्डिनेशन नंबर आपका हो जाएगा सिक्स प्लस थ्री प्लस थ्री, दैट इज 12, राइट। फर्क क्या है इन दोनों सिस्टम के अंदर, तो अगर आप दोनों सिस्टम में खाली फर्क देखोगे ना, ओके, तो यहां पे देखिए आप जो ब्लू है ना उसके ऊपर नीचे का जो लेयर है ना उसका अरेंजमेंट सेम है, दो आगे एक पीछे दिख रहा है आपको, दो आगे एक पीछे, दो आगे एक पीछे। अब यहां पे देखिए, यहां पे इसके ऊपर नीचे का लेयर देखिए, नीचे वाले लेयर में दो आगे एक पीछे है, और यहां पे अगर आप देखोगे बच्चों तो यहां पे क्या है, एक आगे और दो पीछे, तो इतना इनमें फर्क है। तो अगर मैं इसको समराइज कर दूं ना, देखिए टू डायमेंशनल अगर आपने हेक्सागोनल लिया, सारी कहानी किसकी है बच्चों, सारी कहानी है तीसरे लेयर की, किसी कहानी है, सारी कहानी तीसरे लेयर की है बाई थर्ड लेयर, अच्छे से समराइज कर लेंगे इसको। चलो तीसरा लेयर रखा आपने बच्चों, और अगर आपने मान लीजिए कवर कर लिया सारे, किस वर्ड को पहले, टेट्राहेड्रल वर्ड को अगर आप कवर करेंगे, ये वाला केस, तो सारे टेट्राहेड्रल वर्ड को कवर करेंगे तो स्ट्रेकिंग कौन सा होगा, ए बी, और ये कौन सा क्रिस्टल सिस्टम बनाएगा, एच सी पी, विथ कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा इसका, 12 हो जाएगा, राइट। चलिए अगर आपने तीसरा लेयर रख के मान लीजिए सारे ऑक्टाहेड्रल वर्ड को कवर किए, मतलब ये वाला ऑक्टाहेड्रल वर्ड, ओके, तो उससे आपका स्टैकिंग कौन सा बनेगा, अपने आप बन जाएगा ये ए बी सी टाइप का स्टैकिंग बन जाएगा, समझ में आया आपको इतना, राइट। और यहां पे कौन सा क्रिस्टल सिस्टम बनता है बच्चों, आपको सीसीपी बनता है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है बच्चों, 12 होता है, राइट। चलिए अब हम डिटेल में बात करने वाले हैं ये वॉइड के बारे में, कि अगर आपको यूनिट सेल दिया तो उसमें आपको वॉइड कहां दिखेगा और कितना दिखेगा, राइट। ये आपका लास्ट टॉपिक है। चलिए
तो सबसे पहले टू डायमेंशन वॉइड की बात करते हैं। तो हमने जब स्क्वायर पैकिंग बनाया था ना टू डायमेंशन में, इस तरह का तो था राइट। और यहां पे वो वॉइड बना था, उसे हमने क्या कहा था बच्चों, टू डायमेंशन का स्क्वायर वॉइड कहा था। ओके, इसका डायमेंशन देखना मेन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में से क्वेश्चन आते हैं डायमेंशन फाइंड करने के राइट। कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल सा। अगर डायमेंशन निकालना है तो एक छोटा सा हम बना लेंगे ट्रायंगल। चलिए बनाया आपने ट्रायंगल, ओके फाइन। चलिए डायमेंशन की बात करेंगे यहां पे। ओके, तो ये जो वॉइड है राइट, उसका अगर डायमीटर कितना है, 2 आर है। कितना है उसका डायमीटर, स्मॉल 2 आर है। तो स्मॉल 2 आर इज इक्वल टू डाया ऑफ वॉइड, और ये कैपिटल 2 आर जो है ना वो है डाया ऑफ एटम। चलो तो मैं आपको बहुत इजी वे दिखाऊंगा इसको डिराइव करने का राइट। तो अब मेरा ध्यान जो है ना वो पूरा खाली इस ट्राइंगल के ऊपर जाना है। तो ये साइड मुझे कितना दिख रहा है, 2 आर। ये कितना दिख रहा है, 2 आर। ये एंगल ऑब्वियसली 90 बनेगा, तो ये कितना बनना है बच्चों, 45 बनने वाला है। और ये साइड में कौन कौन है बच्चों, 2 आर प्लस 2 आर है। स्मॉल आर मतलब साइज ऑफ योर वॉइड। ओके, चलिए कोई भी एक एंगल ले लीजिए, लेट्स टेक कॉस 45। चलिए बच्चों कॉस 45 क्या होता है, कॉस होता है क्या होता है, कॉस एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेनस। एडजेसेंट साइड कितना है, 2 आर बाय हाइपोटेनस इज 2 आर प्लस 2 आर। आया समझ में आपको, ऐसा डेरिवेशन आपको लगभग कहीं नहीं मिलेगा। तो ये हो गया आपका 1/√2 इज इक्वल टू 2 आर अपन 2 आर प्लस 2 आर। ओके, चलिए आप जैसे इसको स्मॉल सॉल्व करोगे ना तो आपका ये रेशियो आ जाएगा आर इज इक्वल टू राइट। तो डेरिवेशन के बाद आपको ये स्मॉल आर कितना मिलेगा बच्चों, 0.41 आर मिलेगा। मतलब अगर किसी एटम का साइज 0.41 × R होगा ना, तभी वो इस वॉइड के अंदर घुस सकता है, बाकी वो इस वॉइड के अंदर घुसना पॉसिबल नहीं है। चलिए अब इसी तरह से 2D में एक और वॉइड भी था, अगर आपको याद हो तो वो हेक्सागोनल के अंदर था। तो हेक्सागोनल में बच्चों हमने इस तरह से लेयर रखा था ना, आपको याद हो तो, टू डायमेंशन की बात कर रहा हूं राइट। तो यहां पे भी आपका वॉइड बना था बच्चों, याद हो तो आपको। चलिए इस वॉइड को अगर हम एनलार्ज करें ओके, तो क्या होगा देखिए ध्यान से। पहले तो ये ट्रायंगल कंप्लीट कर लेते, यहां पे भी करा ट्रायंगल कंप्लीट। ओके, चलिए यहां से अगर मैं मिड पॉइंट ड्रॉ करूं, पहले तो थोड़ा इसको एनलार्ज करके आपको दिखा देता हूं मैं, तो आपको व्यूज विजन जो है वो क्लियर हो जाएगा एकदम। ओके, तो ये हो गया आपका एटम्स, और यहां पे आपका वो वॉइड, समझा आप, ये वो वॉइड है आपका राइट, जो हमने थोड़ा एनलार्ज किया हुआ है। चलिए इसको हम ज्वाइन करते हैं बच्चों। ओके, और यहां से अगर मान लीजिए मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं, और फिर अगर मैं यहां से एक लाइन ड्रॉ करूंगा, बस तो खेल खत्म हो गया। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये पूरा एंगल होगा 60, आधा एंगल कितना होता है बच्चों, 30 होता है राइट। चलिए खाली इतने ट्रायंगल को हम बाहर निकालते हैं, इतने ट्रायंगल को आ गया बाहर। चलिए कितना है बच्चों, 30 है। ये साइड कितना दिख रहा है आपको, आर दिख रहा है। और ये साइड को देखिए जरा ध्यान से, तो यहां पे दो चीज आ रहा है, एक आ रहा है आपका ये आर, मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं, इसके अंदर आपका आ रहा है ये आर आ रहा है रेडियस ऑफ एटम, और साथ में आपका रेडियस ऑफ वॉइड भी आ रहा है। तो ये आपका हो जाएगा साथ में आर प्लस आर। चलिए अब आपकी मर्जी कौन सा एंगल यूज करना है, लेट्स यूज कॉस 30। चलिए बच्चों कॉस 30 क्या हो जाएगा, कैपिटल आर बाय आर प्लस आर। कॉस 30 कितना होता है आपका, √3/2। कितना होगा बच्चों, ये आर प्लस आर। चलिए सिंप्लीफाई करिए, आर डिवाइड बाय आर प्लस आर। चलिए बच्चों इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सिंप्लीफाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, √3R + √3R इज इक्वल टू 2R। तो आपको ये √3R कितना मिलना है बच्चों, 2 − √3। √3 होता है 1.73, तो 2 − 1.73 × R। 2 − 1.73 कितना होता है बच्चों, ये बताइए फटाफट। चलिए फ्रैक्शन में आप सॉल्व कर लीजिएगा, मैं इसको फ्रैक्शन में ही रखता हूं, 2 − √3, और ये √3 कहां जाएगा, डिनोमिनेटर में इंटू कैपिटल आर। ओके, समझ में आया आपको राइट। तो आपका ये जो ट्रिगोनल वॉइड है, इसको हम क्या कहते हैं बच्चों, मैं तो नाम ही बताना रहेगा आपको। तो ये जो वॉइड है बच्चों वो कौन सा वॉइड है, ट्रिगोनल वॉइड है 2D में। तो 2 डायमेंशन में जो ट्रिगोनल वॉइड है बच्चों, उसका डायमेंशन कितना होता है, 2 − √3/√3 × R, जो मिलेगा आपको 0.155 R। क्या हो जाएगा ये, 0.155 R हो जाएगा। क्लियर आपको इतना। चलिए अब हम जाएंगे बब्बर शेर के ऊपर, वॉइड इन 3 डायमेंशन। तो सबसे पहले बच्चों बात कर लेते हैं हम टेट्राहेड्रल वॉइड के बारे में। याद आया आपको कुछ, कितने के बीच में था ये, बिटवीन
फोर एटम्स कितने के बीच में था ये बच्चों? बिटवीन फोर एटम्स था, यस और नो? चलिए राइट, दिखने में कुछ ऐसा था, मैं आपको दिखाऊं तो ये ओके, वन टू थ्री और चौथा एटम ऊपर था और यहां पे वो वॉइड था राइट। कौन सा वॉइड था? टेट्राहेड्रल वॉइड था राइट। चलिए चलिए बच्चों, तो यहां पे एक क्यूब आ गया है वापस। ऑलरेडी हम ये सेकंड पार्ट के अंदर क्यूब बना चुके हैं। एटम का पोजीशन कौन सा है? तो मुझे ना इसको पहले एफसीसी करना है। कौन सा करना है बच्चों? एफसीसी करना है। और एफसीसी के अंदर नंबर ऑफ एटम कितना होता है आपको याद हो तो? एफसीसी में नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल कितना होता है बच्चों? फोर होता है राइट। चलिए यहां पे एफसीसी में एटम कहां कहां पे होते हैं? कॉर्नर के ऊपर होते हैं जो मैंने रख दिया है। और एटम कहां पे होते हैं? सेंटर ऑफ फेस के ऊपर होते हैं। चलिए सेंटर ऑफ फेस कहां कहां पर है? तो ये एक फेस हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, चार फेस हो गए। फिर एक कहां पर है आपका? आगे वाला फेस है। और एक कहां पर है आपका? पीछे वाला फेस है। चलिए इतना आपको क्लियर है ओके। चलिए अब हमें ना इसके यहाँ पे वॉइड ढूंढ के निकालने, पहले हम निकालते हैं बच्चों टेट्राहेड्रल वॉइड ढूंढ के ओके। तो यहां पे ना ऐसे अगर आप इसको ध्यान से देखो ना, तो आठ अलग अलग क्यूब को मिलाया गया है। वन टू थ्री फोर, चार ऊपर है और चार कहां पर है? नीचे है। किसी भी एक क्यूब को आप बाहर निकाले खींच के। चलिए मैं एक क्यूब को हाईलाइट करने जा रहा हूं राइट, और फिर मैं उसको खींच के बाहर निकालूंगा। एंड देन आई विल टेल यू कि उसके अंदर कौन सा वॉइड बन रहा है। देखिए मैं किस तरह इसको हाईलाइट कर रहा हूं, समझ में आ रहा है आपको? मैं इस सारे जो आठ क्यूब है ना बच्चों, उसमें से खाली एक ही क्यूब को मैं हाईलाइट करने वाला हूं राइट। देखिएगा बहुत ध्यान से। हम क्या दिखा आपको? ये ब्लू कलर का क्यूब। चलिए इसको बाहर निकालते खींच के और फिर देखते हैं इस ब्लू क्यूब के अंदर एटम कहां कहां पर है। तो आपको आइडिया आ जाएगा कि कहां कहां पर यह वॉइड बन रहा है राइट। ये आ गया आपका ब्लू क्यूब बाहर, क्लियर आपको? चलिए एटम कहां पर है? तो एक ये ऊपर वाले कॉर्नर के ऊपर है ब्लू क्यूब में। फिर एक कहां पर है आपका? अगर आप ध्यान से देखो तो अब ये ग्रीन वाला एटम है, तो एक इस कॉर्नर के ऊपर है पीछे, एक ये कॉर्नर के ऊपर है नीचे यहां पे अंदर, और एक ये बाहर वाले एटम है ये वाला इधर है, ठीक है ना? चलिए तो अब इन चारों को अगर हम जोड़ देंगे ना ऐसे लाइन से, तो बीच में जो खाली जगह बचेगी ना बच्चों, यही खाली जगह तो है आपका कौन सा? वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड। कौन सा वॉइड है बच्चों? ये आपका टेट्राहेड्रल वॉइड है। तो यहां पे क्यूब के बीच में कौन सा वॉइड है आपका? टेट्राहेड्रल वॉइड है। तो आप बताए ना ऐसे कितने छोटे छोटे रूम है यहाँ पे, बताइए तो कितने रूम है छोटे छोटे आपके? टोटल यहाँ पे आठ रूम है ना। इसका मतलब इसके अंदर टेट्राहेड्रल वॉइड कितने बनेंगे? आठ बनेंगे। कितने बनेंगे? टेट्राहेड्रल वॉइड जो है वो आपके आठ बनने वाले हैं राइट। क्योंकि हर एक जो छोटा बॉक्स दिख रहा है ना, उसके अंदर ये वाला वॉइड बनेगा टेट्राहेड्रल वॉइड ओके। चलिए टेट्राहेड्रल वॉइड का हमें तो साइज का बात करना था। चलिए तो उसके लिए बहुत सिंपल सा हमें काम करना है राइट। ऑलरेडी हमें बीसीसी करके आए, तो आप समझिए। तो यहां पे ये जो वॉइड है ना, अगर मान लीजिए ये वॉइड का साइज है, तो ये वॉइड कहां पर है बच्चों? ये वॉइड जो है ना वो बॉडी के सेंटर में है। कहां पर है ये वॉइड? बॉडी के सेंटर में है। और अगर आपको याद हो तो ऑलरेडी हम ये बॉडी डायगनल निकाल के आए हैं। बीसीसी स्ट्रक्चर आप याद करिए, बीसीसी में हमने ये बॉडी डायगनल कितना निकाला था बच्चों? रूट थ्री निकाला था कि नहीं? निकाला था ना बॉडी के अंदर। तो ये जो बॉडी डायगनल है बच्चों, वो कितना होता है? रूट थ्री होता है। चलिए इस रूट थ्री के अंदर कौन कौन आएगा आप मुझे बताइए ध्यान से ओके। मैं आपके लिए थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता हूं इसको एक। चलिए तो यहां पे एटम है बच्चों, यहां पे एटम है बच्चों, और ये जो है ना बीच में वो क्या? वॉइड है। क्या ये बीच में जो है वो वॉइड है, ठीक है ना? चलिए तो इस क्यूब के डायगनल में कौन कौन आएगा? ये रेडियस ऑफ एटम आएगा, ये भी रेडियस ऑफ एटम आएगा, और ये क्या आएगा बीच में? डायगोनल ऑफ द वॉइड 2r आएगा। जैसे कि हमने यहां पे देखा, जो क्यूब होता है उसका डायगनल कितना होता है बच्चों? रूट थ्री ए जितना होता है, होता है कि नहीं? चलिए तो यहीं से हमने इसको क्या करना है? सिंप्लीफाई करके बच्चों सॉल्व करना है। चलिए और जैसे ही इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें यहां पे क्या मिलेगा? रूट थ्री ए इज इक्वल टू कौन कौन है यहां पे? आर प्लस स्मॉल टू आर प्लस आर, दैट इज इक्वल टू आर प्लस स्मॉल टू आर प्लस आर। चलिए बच्चों तो सिंप्लीफाई करिए तो ये हो जाएगा रूट थ्री ए इक्वल टू, टू कॉमन निकाल लेंगे आर प्लस आर, तो आपको एक रिलेशन क्या मिल रहा है यहाँ पे? आर प्लस आर इक्वल टू रूट थ्री ए बाई टू ओके। चलिए अब जरा एक्चुअल व्यू में जब हम देखेंगे ना, तो यहाँ पे ये दोनों एटम जो है वो हम क्या कंसिडर करते हैं कि दोनों क्या करेंगे? एक दूसरे को टच करेंगे फेस टू फेस, अगर ऐसा हुआ राइट। तो अगर आप इस डायगनल की बात करेंगे बच्चों, तो ये डायगनल में कौन कौन आएगा? तो ये डायगनल में आएगा रेडियस आपका एक बार, और वापस यहां पे क्या आएगा? एक और बार रेडियस आएगा।
मतलब आर प्लस आर कितना हो जाएगा, 2R हो जाएगा। और ये फेस का जो डायगनल होता है उसका साइज कितना होता है, रूट टू ए होता है। ये सब कुछ हमने सीखा हुआ है ऑलरेडी। तो दूसरा रिलेशन आपका क्या बनता है बच्चों, रूट टू ए इज इक्वल टू आर प्लस आर दैट इज इक्वल टू 2R। तो मुझे यहाँ पे जो R है बच्चों वो कितना मिल रहा है, R मिल रहा है मुझे रूट टू बाई टू, मतलब a बाई रूट टू मिलेगा आपको ये R। चलिए अब इन दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ सिंप्लीफाई कराएंगे। कैसे कराएंगे, देखिए रूट थ्री ए बाई टू इज इक्वल टू, इस R की जगह हम सब्सिट्यूट करेंगे यहाँ पे a बाई रूट टू प्लस R। तो हमें ये स्मॉल R कितना मिल रहा है, सिंप्लीफाई करिए तो a कॉमन निकाल लेंगे, रूट थ्री बाई टू माइनस वन बाई रूट टू, मैं आपको इतना ओके। चलिए तो यहां से आगे बढ़ेंगे बच्चों हम, इसको आप सिंप्लीफाई करिए। चलिए जैसे ही सिंप्लीफाई करेंगे आप, तो ये कितना हो जाएगा आपका रूट सिक्स माइनस टू डिवाइड बाई टू रूट टू, ओके। और ये क्या है बच्चों आपका स्मॉल आर है, इंटू क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, ओके। चलिए तो हम रेडियस का रेशियो निकाल लेते हैं, स्मॉल आर बाई कैपिटल आर कितना होगा वो, तो स्मॉल आर बाई कैपिटल आर, स्मॉल आर कितना है बच्चों रूट सिक्स माइनस टू बाई टू रूट टू है, ओके इंटू ए। और जो कैपिटल आर है बच्चों वो कितना है, कैपिटल आर है ए बाई रूट टू। चलिए ए कट करेंगे, रूट टू कट करेंगे, तो ये आपका आर बाई आर का जो रेशियो है वो कितना होगा यहाँ पे रूट सिक्स माइनस टू बाई टू, कितना होगा रूट सिक्स माइनस टू बाई टू होगा। सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों तो ये आपका रेशियो हो जाएगा, मैं यहां पे लिख देता हूं R बाय आर इक्वल टू 0.225, कितना होगा R बाय आर इक्वल टू 0.225 होगा। चलिए अब सबसे लास्ट में जो हमें करना था वो था ऑक्टाहेड्रल वॉइड, और हमें ज्यादा कुछ नहीं करना है यहाँ पे, खाली ऑक्टाहेड्रल वॉइड को हमें लोकेट करके दिखाना है इसमें कि ये जो NaCl क्रिस्टल है उसमें ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहां पर है। तो आप जानते हो बच्चों के जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है ना वो कितने के बीच में बनते हैं, वो बनते हैं बिटवीन सिक्स एटम्स के बीच में बनता है। चलिए तो आप ऐसी साइड फाइंड करके दिखाइए यहाँ पे जो छह एटम के बीच में हो। तो सबसे पहला मैं कहूंगा कि ये जो सेंटर है ना बच्चों, ये सेंटर वो छह एटम से घिरा हुआ है, किस तरह से देखिए, ये एक ये दो ये लाइन पे देखिए तीन चार ये लाइन पे देखिए पांच और छ, समझे आप। तो ये जो छह एटम है ना ब्लैक मार्कर के वन, मैं उसको पूरा अभी डार्क कर रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए, राइट तो ये जब छह एक दूसरे के साथ पैक होंगे ना, पास में आएंगे ना, तो बीच में ये वाला वॉइड बनेगा, राइट। और ये कौन सा वॉइड है बच्चों, कौन सा वॉइड है ये बच्चों, तो ये है आपका ऑक्टाहेड्रल वॉइड। कौन सा वॉइड है, ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। तो एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहां पर है, बॉडी के सेंटर पे है। और क्या आप लोकेट कर सकते हो, यस। तो ये जो एच के सेंटर है ना वहां पर क्या है, तो एच का सेंटर देखिए एक कितने कितने आइटम है, तो एक ये हो गया, ये और दो हो गए, राइट दो तीन एक ऊपर है चार ये वाला। अगर आप एक क्रिस्टल को आगे खींचोगे तो पांच, और आगे खींचोगे तो छह, समझा आप। तो यहां पे एच के सेंटर के ऊपर भी कौन सा वॉइड है, ऑक्टाहेड्रल। अगर ये एच की बात करो तो खींचो इसको पीछे, इसको आगे, कितने के बीच में है, छह के बीच में आ गया, एक दो तीन चार पांच छह, समझे आप। तो ये भी कौन सा वॉइड है यहाँ पे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, ओके। तो अगर हम देखें इसको, ऑक्टाहेड्रल वॉइड एक है बॉडी सेंटर पे, राइट और ऑक्टाहेड्रल वॉइड है सेंटर ऑफ एज के ऊपर, कहां पर है वो, सेंटर ऑफ एज के ऊपर है। अब बॉडी सेंटर का वॉइड तो खुद का ही है, वो तो कहीं जाना नहीं है। और एजेस कितने होते हैं बच्चों बताइए, तो एजेस होते हैं 12, चार ऊपर चार नीचे, चार आपके आजू बाजू के एजेस। और हर एक एजेस कितने में शेयर होता है, चार में शेयर होता है, मैं आपको लास्ट पार्ट में सिखा दिया था ऑलरेडी। तो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने है इस क्रिस्टल के अंदर, चार है। तो अब रिलेट करिए इनको, हाँ देखिएगा नंबर ऑफ एटम कितना था, फोर था। नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी कितना आया है, फोर आया है। और नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड कितना आया है बच्चों, एट आया है। तो यहाँ पे रिलेशन क्या बनता है, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, एंड नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड इज डबल देन नंबर ऑफ एटम ऑफ द यूनिट सेल। समझ में आया आपको ये पूरा टॉपिक, राइट। चलिए लास्ट में मैं आपको जो है वो रेडियस रेशियो का एक रिलेशन दे रहा हूं। चलिए बच्चों तो ये जो टेबल है रेडियस रेशियो, कोऑर्डिनेशन नंबर, टाइप ऑफ वॉइड और एग्जांपल को रिलेट कर रहा है ये, ओके। आपको ये जो पूरा टेबल है वो याद रखना पड़ेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।